बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने शहर चिचा वतनी के मशहूर शेफ़ उस्ताद शौकत अली की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इधर बन रही है जी दूध की चावल वाली जो खीर है वो बन रही है। तो ये 30-30 किलो दूध है जो दो देगों में डाला गया है। तो इसमें भाजन 2.5 किलो इसमें चावल का टोटा शामिल किया है और तकरीबन 25-25 ग्राम जो है सब्ज़ इलायची वो शामिल की गई है। तो बाकी जैसे जैसे बाकी चीज़ें डाली जाएंगी वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करते जाएंगे। ये लजीज़ा खीर मिक्स के जो 5 पैकेट हैं जो 30 किलो दूध में जो जाएंगे जी। तो भाईजान मुसलसल तकरीबन आधा घंटा हो गया है जी, मुसलसल इसको चम्मच हिला रहे हैं ताकि इसमें जो चावल का डाला हुआ दाना वो नीचे न डाल जाए, वो साफ वाली पेज में उधर भी ये सेम प्रोसेस है। व्यूअर्स, आप एक ग्राइंडिंग मशीन के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा ताकि जो इसमें चावल डाले गए हैं वो अच्छी तरह यकजान हो जाए और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब इसकी थिकनेस अच्छी हो गई है। तो इसके बाद क्या करेंगे भाईजान? उसके बाद चीनी डालेंगे इसको। हाँ, इसके बाद अपना इसमें चीनी शामिल की जाएगी। चीनी कितनी होगी भाई? 4। इसमें 30 किलो दूध में 4 किलो चीनी जाएगी। ये देखें व्यूअर साहब, इसमें 4 किलो जो चीनी है ना वो शामिल की जा रही है जी। अब इसको फिर दोबारा अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, अब चीनी को अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स किया जा रहा है। तो जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो फिर आगे वाला जो प्रोसेस होगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो व्यूअर्स, एक वनीला कस्टर्ड का एक जो बड़ा डिब्बा होता है ना वो एक एक देख को लगाया जाएगा। कस्टर्ड पाउडर को दूध में अच्छी तरह मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने के बाद फिर डेग में शामिल किया जाएगा। पहले मिक्स जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था दूध में तो डेग में शामिल किया जा रहा है और साथ ग्राहक भाई जो है वो मुसलसल चम्मच को हिला रहे हैं ताकि इसमें किसी भी किस्म को खाना ना जाए। ये लें व्यूअर, फाइनल लुक इसकी आ गई है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाएगा और जब ये ठंडी हो जाएगी परातों में डाल के तो फिर ना इसको पिस्ते और बादाम के साथ इसको ना गार्निश किया जाएगा। ये लें व्यूअर्स, अब 1 किलो जो बादाम की गिरी है वो एक देग में शामिल की जाएगी। इसी तरह फिर दूसरी जो देग है उसमें भी 1 किलो जो बादाम की गिरी है ना वो शामिल कर दी जाएगी। तो इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाएगा डिशेस में डाल के। तो जब रात भर में ये ठंडी हो जाएगी तो सुबह इसको फिर गार्निश करके मेहमानों के लिए पेश कर दिया जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे